बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या के मामले में 3 लोग हिरासत में ले गए हैं। इसके अलावा अब रिपोर्ट आ रही है कि कुछ शक्तिशाली लोगों से अजीम का संघर्ष चल रहा था, क्योंकि वो सोने की तस्करी को कंट्रोल कर रहे थे। इस कारण उनकी हत्या की साजिश रची गई। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या भारत में कर दी गई है। इस मामले में बांग्लादेश में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि अनवारुल अजीम अनार की हत्या की साजिश कई प्रभावशाली लोगों ने रची थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में सदन पहुंचने के बाद उन्होंने सोने की स्मगलिंग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिस कारण वो टारगेट किए गए। द डेली स्टार की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में सोने की तस्करी करने वाले कुछ व्यवसायी और एक राजनेता अजीम से नाराज हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि सोने की तस्करी पर पूरा कंट्रोल अजीम का हो। नाम ना छापने की शर्त पर एक जांचकर्ता ने कहा कि वो हत्या की साजिश में शामिल हो सकते हैं। ढाका की एक अदालत में शुक्रवार को एक रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा ने कहा कि सोने की तस्करी में अजीम का साथी अख्तारुज्जमा हत्या के पीछे मास्टरमाइंड है। अधिकारियों का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हत्या में बाकी लोगों के शामिल होने का नाम का खुलासा किया जाएगा। हत्या आरोपी अख्तारुज्जमा अजीम को कोलकाता में मिलने को कहा, जहां उसकी हत्या की साजिश रची गई। हत्या आरोपी अख्तारुज्जमा बांग्लादेश में जन्मा एक अमेरिकी नागरिक है। 30 अप्रैल को वो कोलकाता गया, एक फ्लैट को किराए पर लिया। अख्तारुज्जमा ने अपने सहयोगी अमरुल्लाह को उस समय जो कोलकाता में रहता था उसकी मदद ली, उसे किसी कीमत पर मारने की साजिश को अंजाम देने के लिए कहा। अख्तारुज्जमा हत्या के बाद नेपाल भाग गया। इस पूरे मामले में सीआईडी आईजी का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। देखिए भाई, ऐसा है कि बांग्लादेश के एक एमपी मिस्टर अनवारुल अजीम अनार वो यहाँ पर विजिट पर आए थे और 13 तारीख से वो मिसिंग है। उनकी लड़की ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और जब वो कांटेक्ट नहीं कर पाई तो उन्होंने उनके एक्विटेंस मिस्टर गोपाल विश्वास से कांटेक्ट किया और उन्होंने फिर आ करके यहाँ पर एक मिसिंग डायरी कराई बारा नगर थाने में, जिसके आधार पर बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक SIT बना के पूरे मैटर की इंक्वायरी शुरू की। और इन दी मीन टाइम 20 तारीख को हम लोग को MEA से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया जाए। कब किया गया ये घटना, ये पता कि मर्डर कब? अभी ये मैटर CID इन्वेस्टिगेट कर रही, बहुत जल्दी जब सब कुछ खुल हो जाएगा तो सब बता दिया जाएगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।